लगातार दूसरी बार भागलपुर से सांसद बने सांसद अजय मंडल का भागलपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह में एनडीए के दल जदयू, भाजपा, लोजपा और हम के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के अलावे आमजन भी शामिल हुए। अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की गई। जदयू सांसद अजय मंडल का माला पहनाकर तथा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में पहुंचे एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं सहित आमजनों ने सांसद अजय मंडल को फूल माला पहनाया, साथ ही फूल का गुलदस्ता देकर बारी बारी से अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में शामिल हुई भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने बताया कि अजय मंडल लगातार दूसरी बार भागलपुर से सांसद बने हैं और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि संसद में भागलपुर की आवाज को बुलंद करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में भागलपुर में जो भी काम अधूरे रह गए हैं उन सब को पूरा करने का काम करेंगे। वहीं एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए भव्य स्वागत समारोह से सांसद अजय मंडल अभिभूत दिखे। ये भागलपुर से श्री अजय कुमार मंडल जी लगातार दूसरी बार सांसद बनकर भागलपुर की आवाज को बुलंद करेंगे। आज उनके स्वागत के लिए, उनकी जीत की बधाई के लिए यहाँ पर नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, हम सभी हमारे एनडीए के घटक दलों के सभी नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। और हम सब लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि अजय मंडल जी के प्रयास से नरेंद्र मोदी जी एवं नीतीश जी के नेतृत्व में भागलपुर उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, तरक्की करेगा। यहाँ पर जो छूटे हुए प्रोजेक्ट हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे और सारे काम बहुत तेजी से अब होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं और ऐसा हम सब लोगों का भरोसा भी है। इन दिनों पूरे बिहार के लोग भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। भागलपुर में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। दूरदराज गांव में काम की तलाश में शहर पहुंचे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। रोजाना काफी संख्या में मजदूर अपने जेब से किराया भाड़ा लगाकर काम की तलाश में शहर पहुंचते हैं, लेकिन यहां उनको काम नहीं मिलने से उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। रोज सुबह शहर के सभी चौक चौराहों पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में घंटों खड़े नजर आते हैं, लेकिन अधिकतर मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? कारण वही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब काम जाते हैं, काम करने के लिए गर्मी ज्यादा पड़ने लगता है, चक्कर देने लगता है, लोग हो जाते हैं, काम नहीं होता, लोग मजदूरी नहीं देता है, बहुत दिक्कत होता है। कितने दिनों से काम नहीं मिला? करीब महीनों लगभग हो गया। अब यहाँ वही भुखमरी है, अथी है, गर्मी भी वजह से, और उतना मजदूरी नहीं मिलता है। बाहर जाते हैं तो परिवार ऋण मारने लिए दौड़ता है, झगड़ा करता है, रोजगार। हाँ, तो कैसे आना होता है शहर? शहर अब मजबूरी कराते हैं, पेट है कारण आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता। काम नहीं, तो ऐसे लौट जाते हैं। हाँ, कैसे परिवार चलेगा ऐसे में? अब कैसे चलेगा, ऊपर वाला चलाता है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर
उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सांसद देवेश चंद्र द्वारा मुस्लिम यादव और कुशवाहा को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार में राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक सांसद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं भागलपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर की कचहरी चौक पर उनका पुतला दहन किया और कहा कि जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है और जब से हम लोग इस धरती पर है, तब से किसी भी नेता का इस तरह का बयान नहीं सुना था कि मुसलमान यादव और कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, यह लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या है, इस तरह का बयान जायज नहीं है। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि सांसद को निलंबित करे, उस पर कड़ी कार्रवाई करे। समाज के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है, उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है इसलिए ये हमारे पास किसी काम को लेकर नहीं आया है। यह जो है डेमोक्रेसी लोकतंत्र के स्पिरिट के खिलाफ है, उसकी मर्यादा के खिलाफ है। ऐसा करके उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है। उनके इस बयान के खिलाफ आज हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिवेश चंद्र ठाकुर का पुतला दहन किया है और हम जदयू से मांग करते हैं, नीतीश कुमार से जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि तत्काल अगर उनमें कोई शर्मती है तो दिवेश चंद्र ठाकुर को अपनी पार्टी से निलंबित करें। वही नहीं, हम राष्ट्रपति महोदया से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे नाकारे सांसद को शपथ नहीं दिलाया जाए, क्योंकि उन्होंने उनका बयान भारतीय संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौरी गांव के बिंद टोला में विवाहिता के द्वारा पति सास ससुर को प्रताड़ित करते हुए जान मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पीड़ित जयप्रकाश विंद ने बताया कि हमारे पुत्र संजय विंद की शादी 2008 में सिमरिया कुमलत थाना कजरेली जिला भागलपुर निवासी बेचन बिंद की पुत्री माला देवी से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। मेरी बहू के द्वारा बार बार हमें प्रताड़ित करते हुए मारपीट कर जान मारने की धमकी दी जाती है और झूठे केस में फंसाने की बात कही है। इस मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को शांत करते हुए न्यायालय की शरण में भेज दिया है। काहे मरता है? ऐसे मरते रहता है, जब आता जब लड़ाई झगड़ा करते रहता है। 2008 से सता रहा है, सब दिन बेटी को वही रखा है। बच्ची जो 4 को जन्म लिया है तो मायके में 4 बच्ची जन्म लिया है। आता था 10 दिन रहता था, चल जाता था। यार वो 2017 से पहले बार आया है समझौता कर करके वहाँ भागलपुर से। 2017 से 7 साल नहीं आया मेरा घर पर। 7 साल के बाद समझौता करके आया तो फिर भी चलो कहे तो ठीक है आया। उसके बाद ये जो है 1 तारीख को भाग गया, 1 तारीख को भागा तो कोर्ट में जाकर पकड़े इसको बाप माई के साथ। हम बोले यहाँ क्यों आया? तो बोलता हमारा कोर्ट में काम है। मारने कारण वो कहता है कि तुम लोग को जो है ना, हम जो कहें वो सुनो, नहीं तो तुम लोग को जितना जमीन है हमको नाम से लिख दो, नहीं लिखोगे तो तुमको ऐसे करेंगे ना, हमको बाप जो है केस मुकदमा लड़ने वाला है, तुम तो लड़ नहीं सकोगे हमसे। केस किया आप पे? हाँ, केस किया है वो पहले 2021 में वो किया है। दूसरा फिर दूसरा शादी करने के लिए लड़की को देखेगा रखेगा तो उसमें पकड़ कर फंसा दिया है और फंसा दिया वहाँ से। कौन केस में फंसाया? केस अभी नहीं किया है वो, पहले केस 21 में किया है, फालतू केस किया है, भागलपुर से किया है।